जूते फट गए थे ना, तो मैं तेरे नए जूते आया हूँ, देखो लो पहनो, कितना अच्छा जूता है। आ क्या है? आप मेरा जूता फट गया, इसके साथ का दूसरा जूता भी फट गया, आप मेरे नए जूते ले आओ। अरे दूसरे दिन ले आएंगे यार, आगे दिन पैसे नहीं है अभी। अरे भाई की ज्यादा हालत खराब थी, इसलिए जो है फिर ले लेके। ये तो गलत बात है ना, अरे जूते तो मैं भी पहना रही थी, जाओ मैं भी पहनाएंगे ना बेटो। भागे चेतक चटक के शीशे जो तुझ पे टूटे, बंदे सारे मेरे सांसों में जो सूर। आ जा रे जल्दी जल्दी आओ यार। अरे आ गया, तैयार हो गया बच्चा, तैयार हो गया बच्चा, चलो चलो आ गया, गेट खोला जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी चल। अरे ऐसा भैया को हो रही देर, तू जो है पैदल आती रही, फटाफट आ जा। कितनी गर्मी है, मैं तो पैर भी दर्द कर रहे। भगवान, तूने मुझे लड़का क्यों नहीं बनाया? मेरा भाई लड़का है, उसे तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, मुझे तो मांगे भी कुछ नहीं मिलता। भगवान मैं क्या करूं जो मेरे प्यारे पापा मुझे मेरे भाई की तरह प्यार करने लग जाए। कल को वो ससुराल चली जाएगी और तब उनकी हो जाएगी और फिर हमें फिर शादी के लिए खर्चा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, कहाँ से करूँगा मैं इतना, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही इतनी। जब आदमी का अंतिम समय आता है ना तो बिटिया ही काम आती है। हाँ तो लास्ट टाइम में लकड़ी देने भी वही तो आएगी ना। क्या हुआ जिनके लड़के नहीं होते उनकी लड़की है, क्या अब वो लड़की है तो इसमें उसका क्या दोष है? मैं पता है आजकल लड़कियां ही पिता को लकड़ी दे रही है। छोड़ो आप, चलो नाश्ता कर लो। अरे नाश्ता कैसे तैसे यार, ये भगवान से बंद करना, मुझे नहीं करना नाश्ता, उसका भूख कुछ नहीं। अरे दुकान चल रही ये कुकरा को ये तो सब दारू जान उड़े दे अरे सर अब बोतल इतना सा उतार दे ये माजे सर अब बोतल इतना सा उतार दे कगेरी ये कक मोर गरी। हेलो,
अन्ना बच्चा आ गया तू? बेटा मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ? क्या खाएगा तू? ये लाया हूँ देख। ये भी है, कौन से लेगा तू? क्यों वाला? बड़ा वाला। खाएगा, खाएगा। पापा के हाथों से खाएगा। नहीं खाएगा पापा, इनके खिलाएगा। क्या नहीं है, नहीं भैया के लाइन में सारे पैसे हो गए खत्म। अब तो कुछ है नहीं, तो भैया तू दे दे इसको, थोड़ा सा इसको दे दे तू। बेटा दारू नहीं बोलते है उसको, उसको बोलते है चरणामृत। भगवान जी में जो चढ़ाते है ना चरणामृत, वो कहते हैं पापा ना घर में थक जाता है काम करते, होटल में भांडे मजाता है और खाना बनाता है, लोगों को खिलाता है, खड़े खड़े थक जाते हैं। तो तब यार दोस्त आते हैं, वो तब पिला देते हैं। यार क्या करना है, लोगों को मना कैसे करना है। अमृत होता है ना वो चरणामृत, भगवान जी खुश हो जाते हैं। जो चरणामृत क्या लेता है, भगवान जी उसको खुश हो जाते हैं, बिल्कुल खुश, बहुत खुश होना खुश हो गया। घंटे में आ गए तो फिर दारू खाना छोड़ खाओ ख्याल में कभी ना खाओ, अंत था लगो कथम लगो भी एक आध घंटे मोला हम दिनम करो कीर्तन, रात करो भजन, काम धाम तो तुम्हारा कुछ नहीं। कुकर तो खराब हुआ था, है कुकर तो मेरे के ऊपर गए। पापा एक आगे नहीं मम्मी पंप कहाँ लगा, पंप लेगा जी की। अब ठीक हूँ मैं, जो है
मामी को बोलो तुम सो जाना ना, और गर्मी बहुत हो रही है, मैं यहीं सो रहा हूँ, मैं गर्मी हो रही है मैं यहीं सो जाऊंगा। मैं सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाना सुबह। मैं ठीक हूँ, अच्छा ठीक हूँ मैं, ठीक है। तो खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश जय हिंद दोस्तों, आप ये लोकेशन देख रहे हैं, पीछे देखो, ये पीछे जो हमारी लोकेशन है, इसी में ये रानू जो है रो रही थी स्कूल जाते समय, ये वहीं का लोकेशन है। आज यहाँ पूरा भर चुका है, देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये 2018 की वीडियो है, और आज तारीख क्या है, 11/3/2023 को हम ऐसे हो चुके हैं, देखो मैं ऐसा हो गया हूँ, कमेंट कीजिए। और रानू इतनी बड़ी हो चुकी है, और यह अन्ना, इसको आपने देख लिया होगा, तो एक्टिंग कैसी लगी आपको, बहुत पुरानी वीडियो है ये हमारी जो है मैं लड़का क्यों नहीं। आप अगर जो पार्ट टू भी देखना चाहते हैं तो हम जल्दी बनाएंगे, और हाँ अगर जो आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमेडी के लिए इधर क्लिक कीजिए, और ब्लॉग के लिए इधर क्लिक कीजिए, जल्दी 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 कॉमेडी ब्लॉग कॉमेडी उधर नहीं है, नीचे आता है वो।